तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट वन। उसमें मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, वो देखेंगे हम। तो मीन निकालने के लिए तीन मेथड्स है। पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड, और वो हम पहले क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट मीन। सो उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स आर गिवन एंड नंबर ऑफ हाउसेस आर गिवन। टोटल हाउसेस आर 20, यू हैव टू फाइंड द मीन। देखते हैं कैसे लिखते हैं हम क्लास। क्लास इज फ्रॉम 0 टू 2 टू 4, 4 टू 6, 6 टू 8, 8 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 14। दीज आर द क्लासेस 12 से 14 तक। अब हमको पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट मेथड है, मेथड नंबर वन पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो पहले बॉक्स बनाने आने चाहिए। पहले क्लास लिखेंगे फिर क्लास मार्क लिखेंगे, उसको हम लोग एक्साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साई। क्लास मार्क को क्या में बोलते हैं? एक्साई। क्लास मार्क इज नथिंग बट अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई टू। इट मीन्स दैट 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 विल बी 1, 2 प्लस 4 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 विल बी 3, 4 प्लस 6 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, एंड सिमिलरली दिस इज 7, दिस विल बी 9, दिस विल बी 11, एंड 12 प्लस 14 26, 26 डिवाइड बाई 2 विल बी 13। अब ये मिलने के बाद में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हमारा एफ आई। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? एफ आई, एंड इट इज गिवन दैट इज नंबर ऑफ हाउसेस, दैट इज 1, 2, 1, 1 to 1, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 2, 3। अब क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई मतलब, सिग्मा एफ आई मतलब इसका एडिशन, एडिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, एंड दैट इज हाउ मच 20। उसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई, इन लोग का मल्टीप्लीकेशन। 1 1 6, 5 2 5 1 5, then 7 5 35, then 9 6 52, then 11 2 22, and last 13 3 39। टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इन लोग का एडिशन। एडिशन इज वॉट? 3, 9, 9 plus 2 is 11, 11 plus 4 is 15, 15 20, 25, 25 plus 6 is 31, 31 and plus 1 32, so 3 is carry, 2 लिखते थे। सो देखते हैं, 3 कैरी था, 3 प्लस 3 6, 6, 6 प्लस 3 is 9, 9 प्लस 7 is 16, 162। अब कितना हो जाएगा? देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, मीन is nothing but x bar, and x bar is given by sigma fi xi upon sigma fi. So sigma fi xi is what? Sigma fi xi is 162 upon sigma fi is what? Sigma fi is 20 divided by 20. So 2 tens are 281s are. So 10, 81 by 10 is nothing but 8.1. This is method number one for finding mean, and it is known as direct method. तो हम method number two पे आते हैं। Method number two is nothing but assume mean method. Same question लिया है, but second method सीखेंगे for finding mean, and that is method is known as assume mean method. तो उसके लिए class लिख लेते हैं। What is class? Class is from 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. अब क्लास लिखने के बाद में अगेन वी विल फाइंड आउट क्लास मार्क, दैट इज एक्स आई। सो क्लास मार्क इज नथिंग बट अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2. दिस इज अपर क्लास लिमिट 2, लोअर क्लास लिमिट 0 डिवाइड बाई 2, मीन्स 2 प्लस 2 0 इज 2, डिवाइड बाई 2 इज 1, देन 4 प्लस 2 इज वॉट? 6, 6 divided by 2 will be 3, similarly it is 5, 7, 9, 11, 13. अब ये होने के बाद में अगेन वी विल राइट डाउन यू आई।
मतलब अब क्या है, इसमें से कोई भी एक नंबर को हम लोग वी विल अज्यूम एज अ मीन। तो अजम्पशन में मीन ए कौन सा लेंगे, ए कोई भी एक एक्साई का हम लोग वैल्यू मार्क कर लेते हैं। बट जब हम मिडिल वाला लेंगे तो इजी होता है। सो ए इज व्हाट, 7। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम बीच वाला मार्क करते हैं, तो बीच में 7 है तो 7। सो हम लोग लेंगे डी आई इज व्हाट, डी आई इज नथिंग बट एक्साई माइनस ए। व्हाट इज द फॉर्मूला डी आई का, एक्साई माइनस ए। डी आई इज नथिंग बट एक्साई माइनस ए। सो एक्साई इज 1, 1 माइनस 7 इज व्हाट, माइनस 6। देन 3 माइनस 7 विल बी माइनस 4। देन 5 माइनस 7 इज माइनस 2। 7 माइनस 7 इज 0। 9 माइनस 7 इज 2। 11 माइनस 7 इज 4। 13 माइनस 7 इज 6। अब ये होने के बाद में एफ आई फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। एफ आई मतलब कितना दिया हुआ है, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 7, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 2, 3। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई मीन्स एफ माइनस 6 इंटू 1 इज माइनस 6, माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, देन 0 इंटू 5 विल बी 0, 2 इंटू 6 इज 12, 4 2 इज 8, देन 6 3 इज 18। अब हम लोग निकालेंगे एफ आई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मीन्स एडिशन ऑफ ऑल दिस, इट इज हाउ मच, 20। इट इज गिवन ऑलरेडी, 20 हाउसेस का सर्वे है। फिर सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई मीन्स एडिशन ऑफ ऑल दिस, इन लोग का एडिशन हो जाता है टोटल माइनस ऑफ 8 प्लस 8 इज 16, एंड इन लोग का टोटल एडिशन हो जाता है 38। सो दिस इज 38 माइनस 16, सो 38 माइनस 16 इज 22। सो सिग्मा एफ आई डी आई इज 22। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन, अगेन वी विल फाइंड आउट डी बार। डी बार इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई इज वॉट, सिग्मा एफ आई डी आई इज 22 अपॉन सिग्मा एफ आई इज वॉट, 20। सो दिस इज 1.1। सो फॉर्मूला है एक्स बार मीन्स मीन, मीन इज नथिंग बट ए प्लस डी बार। व्हाट इज द फॉर्मूला, ए प्लस डी बार, ए इज व्हाट 7, प्लस डी बार कितना मिला 1.1, एंड द टोटल इज 8.1। देखिए पहले जैसा मिला कि नहीं मिला, मतलब क्वेश्चन सेम था तो मीन कभी चेंज नहीं होगा, कौन सा भी मेथड कीजिए। सो एक्स बार मीन कितना मिला 8.1। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, सेम क्वेश्चन लेंगे। थर्ड मेथड ऑफ फॉर फाइंडिंग मीन इज व्हाट, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में सेम क्लास लिखेंगे, क्लास इज व्हाट, क्लास इज 0 से 2, 2 टू 4, 4 टू 6, 6 टू 8, 8 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 14। अब ये होने के बाद में वापस से क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क दैट इज xi, xi इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, इट मींस 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इज 3, 5, 7, 9, 11, 13। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे d बार। d बार इज नथिंग बट डी आई इज वॉट एक्स आई माइनस ए, जैसे पहले निकाला था। तो ए किसको पकड़ेंगे, ए मतलब कोई भी एक ये नंबर है इसमें का, तो इसको ए पकड़ लेते हैं, ए दैट इज ए इज 7। सो 1 माइनस 7 इज वॉट, 1 माइनस 7 इज माइनस 6, 3 माइनस 7 इज माइनस 4, 5 माइनस 7 इज माइनस 2, 7 माइनस 7 इज 0, 2, 4, 6, 9 माइनस 7 इज 2, 11 माइनस 7 इज 4, 13 माइनस 7 इज 6। उसके बाद में यू आई निकालेंगे। यू आई इज डी आई अपॉन एच। एच मतलब क्या होता है, एच मतलब क्लास इंटरवल। व्हाट इज क्लास इंटरवल, 2 2 का इंटरवल है कि नहीं, क्लास साइज कितना है 2, सो दैट इज 2। सो डी आई माइनस 6 अपॉन 2 विल बी माइनस 3, माइनस 4 अपॉन 2 इज माइनस 2, माइनस 2 अपॉन 2 इज माइनस 1, 0, 0 अपॉन 2 इज 0, 2 अपॉन 2 इज 1, 4 अपॉन 2 इज 2, एंड 6 अपॉन 2 इज 3। अब ये होने के बाद में एफ आई निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 3।
अब हम निकालते हैं एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, माइनस थ्री इंटू वन इज माइनस थ्री, माइनस थ्री टू इंटू टू इज माइनस फोर, माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, जीरो इंटू फाइव इज जीरो, वन सिक्स ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन। फिर निकालेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इज व्हाट, ट्वेंटी ऐड किया था पहले से ही। सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई मतलब एडिशन ऑफ ऑल दिस, इन लोग का एडिशन है माइनस एट एंड इन लोग का एडिशन है दिस इज नाइन फिफ्टीन नाइनटीन, नाइन फिफ्टीन नाइनटीन, यस। सो नाइनटीन में से एट गया तो इट इज गोइंग टू बी इलेवन। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करके मीन निकालने के लिए पहले यू बार निकालेंगे। यू बार इज नथिंग बट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। व्हाट इज सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई इज 11 अपॉन सिग्मा एफ आई इज व्हाट 20। अब यहां पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला वापस से यूज करते हैं मीन का। मीन इज एक्स बार इज नथिंग बट ए प्लस एच इंटू यू बार, ए इज व्हाट 7 प्लस एच इज व्हाट 2 इंटू यू बार इज व्हाट 11 बाय 20। सो 2 वन जा 2 टेन जा, इट मीन्स 7 प्लस 11 बाय 10, इट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 11 बाय 10 इज 1.1, सो इट इज अगेन इक्वल्स टू 8.1 इज व्हाट एक्स बार। मतलब कोई भी मेथड हो आंसर तो सब सेम आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इज गिवन। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसा है देखिए, इसमें हमको एफ ढूंढना है, इसमें हमको एफ ढूंढना है, कैसे करेंगे वो देखिए पहले। सो पहले मीन लिख देते हैं, मीन एम ई ए एन दैट इज एक्स बार, एक्स बार इज हाउ मच, इट इज गिवन इट इज इक्वल्स टू 18, तो लिख देंगे हम लोग 18। अब हम लोग क्लास लिख लेते हैं पहले, क्लास इज व्हाट, क्लास इज फ्रॉम 11 टू 13 एंड देन 13 टू 15 एंड देन 15 टू 17 देन 17 टू 19 19 टू 21 इट इज अप टू 25, सो 21 से 23, 23 से 25। अब ये होने के बाद में हम लोग लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्लास मार्क, पहले क्लास मार्क दैट इज एक्स आई, एक्स आई कितना है 1 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, इट विल गिव यू 12, दिस विल गिव यू 14, देन गिव यू इट, दिस विल गिव यू 16, 18, 20, 22, 24। दीज आर द क्लास मार्क, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई टू, एड करके टू से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्लास मार्क, मतलब मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। अब एफ आई लिख लेते हैं कितना है, दैट इज 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13, 9 प्लस 13 एफ 5 एंड 4, एफ 5 एंड 4। फिर फ्रीक्वेंसी के बाद में एफ आई इंटू एक्स आई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, 12 7 जा 84, 14 6 जा 6, 4 जा 24 अगेन 84, देन 16 9 जा 144, देन 13 इंटू 18, 18 इंटू 13, 3 8 जा 24, देन 3 प्लस 8 प्लस 2 दैट इज 11, 12, 13, 1, 3, 1, 1 जा 1, सो 134, देन 20F, देन 110, देन 4 फॉर द 16, 1696। अब हम लोग क्या करेंगे, इरेजर से रब कर लें। अब इतना होने के बाद में पहले हम लोग निकालेंगे FI into XI, FI into XI 12 7 जा 84, 14 6 जा अगेन 84, 16 9 जा 144। फिर हम लोग करते हैं 16 9 जा 144, 18 13 जा 234, देन दिस इज 20 इंटू एफ विल बी 20F, देन 22 इंटू 5 इज 110, देन 24 इंटू 8 इज 96। नाउ सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मीन्स एडिशन ऑफ ऑल दिस एफ आई, तो अलग से एफ लिखेंगे इसको एंड बाकी सबको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस
18 plus 13. So it is going to be 18 plus 13 is 31, 31 plus 6 is 37, 37 plus 7 is 44. So 44 plus f. अभी हम लोग करते हैं fi xi का addition, that is sigma fi xi. Sigma fi xi is what? 20 plus 20f अलग से लिखेंगे. जब इसको add करेंगे बाकी सबको, ये 20f को मत add करना, because f के साथ बाकी सब constant add नहीं होगा. तो ये सबको add करेंगे तो मिलेगा 752. अब हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला हमारा. What is the mean for डायरेक्ट मेथड एक्स एक्स बार, दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सो एक्स बार इज वॉट 18, 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई इज वॉट 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई इज वॉट, सिग्मा एफ आई इज 44 प्लस f. क्रॉस मल्टीप्लाइंग, that is 18 into 44 plus f is equal to 752 plus 20f. Now this into this will be 792 plus 18 into f is 18f is equals to 752 plus 20f. अब क्या करते हैं, सब f एक साइड, so this is 18f plus 20f equal to cross कर रहे हैं, तो minus 20f is equal to 752 plus 792 equal to cross करेंगे तो minus 792. So this is minus 2f is equals to minus 40. इन दोनों में से minus 18 minus 20 is minus 2 and this minus this is minus 40. Minus minus cancelled. So f equal to 40 upon 2. So means f equals to 20. So missing frequency was 20.